हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, आप सभी उम्मीदवार लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि एनटीए जो है नीट की एग्ज़ाम को रिकंडक्ट करें, रीशेड्यूल करें। इसको लेकर यहां पर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा विवाद और काफ़ी ज़्यादा चर्चित विषय इसे बना दिया गया है, क्योंकि हर उम्मीदवार यही चाहता है कि एनटीए नीट की एग्ज़ाम को पोस्टपोन करे और उसकी जो री एग्ज़ाम कराए। क्या एनटीए ऐसा करेगा या नहीं करेगा, दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही यहां पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंतर यहां पर उम्मीदवार ने क्या पार्टीशन दायर किया है या नहीं किया है, और दोस्तों सोशल मीडिया पर एक काफ़ी ज़्यादा चीज़ जो है वायरल देखने को मिल रहा है, और कुछ जो मेरे व्यूवर्स हैं उनका भी यह सवाल है कि क्या सर 15 अक्टूबर को जो रीनीट की बात की जा रही है, क्या वह सच में एनटीए रिकंडक्ट करेगा नीट की एग्ज़ाम को। दोस्तों आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि जो आप सभी के कमेंट थे कि जो सोशल मीडिया पर यह चीज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल और ग्रुप के अंदर वायरल देखने को मिल रहा है कि 15 अक्टूबर को यानी रीनीट कराई जाएगी। दोस्तों ये अपडेट क्या सच में है या रियल है या फेक है? दोस्तों अभी तक जैसा कि आप सभी को पता है कि जागरण वाले ने एनटीए डीजी से यह सवाल किया कि सर इसमें लीक की जो पेपर में सामने मामला आई है उस मामले को लेकर क्या रीनीट कराई जाएगी। तो दोस्तों उनका जो जवाब आया था आप सभी को पता है कि इस पर अभी जाँच चल रही है और जो इन्फॉर्मेशन थी वो पेपर होने से पहले थी, ना कि पेपर होने के बाद थी। एनटीए इस सवाल को जो मान भी नहीं रहा है कि इसमें पेपर लीक हुई है। भले हर एक जगह पर इसको लेकर प्रदर्शन, ट्विटर पर प्रदर्शन, हर जगह कैंपिंग चलाई जा रही है, पर इसका जो है एनटीए पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों अभी तक तो ये फाइनल नहीं हो पाया है कि क्या अक्टूबर के अंदर रीनीट होगी या नहीं होगी, क्योंकि एनटीए की तरफ से ना कोई पब्लिक नोटिस जारी किया गया है, ना कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन बताई गई है। एनटीए अपने जवाब पर अड़ा हुआ है कि जो नीट की पेपर थी इसमें कोई भी धांधली नहीं हुई है, कोई भी ऐसी यहाँ पर जो है जो एग्ज़ाम में लेकर फर्जीवाड़े नहीं हुए हैं। तो एनटीए साफ साफ इस चीज़ से मुकर रहा है और लगातार जो है इस चीज़ पर वो कायम है कि इसमें कोई भी विवादित नहीं है, और वो अपनी फाइनल आंसर की और रिज़ल्ट पे यहाँ पर जो है तैयारी कर रहा है। पर दोस्तों उम्मीदवार और यहाँ पर जितनी भी मीडिया अनुसार है, या फिर उम्मीदवार गलत है या मीडिया रिपोर्ट गलत है या फिर एनटीए सही है, दोस्तों आखिर कौन सही है, इसका निर्णय कैसे होगा? दोस्तों सीबीआई जांच में भी यहाँ पर जो है कुछ जो है उम्मीदवार पकड़ाए गए थे। राजस्थान के अंदर हर एक जगह पर डेली कुछ न कुछ उम्मीदवार पकड़ाए जा रहे हैं, पर उम्मीदवार पकड़ाने के बाद भी एनटीए का कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। दोस्तों इस चीज़ को लेकर काफ़ी जो है जो अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पार्टीशन दायर किया जाए, और उसके लिए वो एविडेंस जोड़ रहे हैं और वो सभी कलेक्ट करे को वो यहाँ पर हो सकता है कि मंडे के दिन यानी कि सोमवार के दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पर एक नीट रिकंडक्ट को लेकर यहाँ पर जो एक पार्टीशन दायर किया जाए। तो दोस्तों ये अपडेट थी। दोस्तों अभी तक यहाँ पर फाइनली कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाया है कि आखिर क्या है, कैसे है और क्या होगा। दोस्तों यह सवाल सभी के मन में बना हुआ है। तो दोस्तों ना एनटीए कोई भी पब्लिक नोटिस जारी कर रहा है और लगातार उम्मीदवार जो है इस चीज़ को लेकर डिमांड उठा रहे हैं, यहाँ पर अपने लिए वो खतरा बना रहे हैं, क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ से एग्ज़ाम पोस्टपोन से लेकर साथ ही यहाँ पर जो है धांधलियों को लेकर कितने यहाँ पर जो उम्मीदवारों ने अपनी जो है सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की, जो आपको पता है। तो लगातार ऐसी गलतियाँ आप ना करें, क्योंकि दोस्तों एनटीए को एग्ज़ाम तो कैंसिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कितनी भी प्रयास कर ले, क्योंकि हर एक जगह इस चीज़ के बारे में अपडेट है और डेली कहीं ना कहीं ऐसी अपडेट आ रही है जिसको जानने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जा रहे हैं कि यहाँ भी चोरी हुआ है। तो इसको लेकर दोस्तों अगर एनटीए नहीं मानेगा तो हम अपनी यहाँ पर जो है बात रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी पार्टीशन दायर कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि कोई उम्मीदवार द्वारा यहाँ पर पार्टीशन फाइल की गई है, पर जल्द ही आप सभी के लिए वो भी न्यूज़ निकल कर आने वाली है, क्योंकि मंडे को राजस्थान के अंदर भी नीट रिकंडक्ट को लेकर एक आंदोलन होने वाला है और जगहों पर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर होने वाली है।
तो जैसे ही दोस्तों हमारे पास और कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल स्टडी जोन में मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।